Wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. कुर्सी पे अभी बैठे हैं, आपको बच्चों के साथ कुर्सी पे नहीं, अगर आप कुर्सी पे बैठे देन यू आर नॉट ए गुड टीचर। बेटा सुबह नाश्ता खाया, वो बोल रहे हैं अनस, मतलब आज के वाला अनस दोपहर वेस। ये यू है, मेरा नाम उमान है और मैं आपको वेलकम करता हूं। पहले तो मैं बहुत टेंशन में रहा करता था कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम रोज बोलते हैं ये बच्चे को, ये थक गया, बच्चा कभी थकता नहीं है, टीचर थकेगा बट बच्चा कभी नहीं थकेगा। फादर है तो हम बोलते हैं फादर जी, वेयर आर यू, इधर से किधर से, एलिफेंट रोड पे चलेगा, अरे एच पे जाएगा, एच ए टी हैट, ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है, यहाँ पुलवामा इलाके में, पुलवामा न्यू कॉलोनी में एक स्कूल है और यहाँ पर कुछ ख़ास एक्टिविटी होती है। किस तरह की एक्टिविटी होती है जो आपको कदर मुख्तलिफ लगेगी बाकी गवर्नमेंट स्कूल से? ये जो एक्टिविटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज इन 3D फॉर्म और ये बच्चों के हैंड्स है, और आप देख रहे हो डिफरेंट शेप्स ऑफ हैंड्स है, और ये बच्चों के हैंड्स खुद के हैंड्स है। अच्छा। यस, उन्होंने ये पेपर पे उसमें ट्रेसिंग करके उसको काट के कटिंग टीयरिंग एंड उसको पेस्ट किया है, एंड आप देख रहे हैं कि हर कोई हैंड में अपना अपना नाम, जो भी बच्चे हैं हमारे अपना अपना नाम और अपना अपना फोटोग्राफ। क्या बोलते हैं चुना चो और टमाटर, इसको भी हम ऐसे स्लाइसेस करेंगे। हमारे स्टोन पपेट्स हैं, ये देखिए, फॉर कलर्स पढ़ाने के लिए, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे ब्लू है, ग्रीन, रेड, येलो, दिस इज अवर टीएलएम इन द किंडरगार्टन। आज के इस सेशन में रहेंगे तारिक मंजूर खान। मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेन टाउन में ही। अच्छा। डेलीपुरा हमारे मोहल्ले का नाम है, तो यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ और मेरी स्कूलिंग भी यहीं पे पुलवामा में ही हुई है। यूनिवर्सिटी से मैंने एमए एजुकेशन किया, एमए साइकोलॉजी किया, एमएड किया और उसके बाद एमफिल किया। तो बीएड कॉलेज से मेरी शुरुआत हुई एज ए टीचिंग प्रोफेशन में। तो उससे पहले मेरा कोई कंसेप्ट, जब मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था, कि कोई कंसेप्ट नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा। और जब मैं सुनता था कि ये टीचर है, बोलता था क्या मास्टर जी, क्या ये है। 2009 में मेरी एज अ टीचर अपॉइंटमेंट हो गई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही। मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई थी वो प्राइमरी स्कूल में ही हुई थी और प्राइमरी स्कूल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा तो बहुत ही एक दिल को सुकून मिला। कौन कौन खाता है टमाटर? उससे पहले मेरा शौक था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं या तो मास कम्युनिकेशन में जाऊं। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं कि उसने मुझे इस पैगंबराना पेशा में डाला, जो टीचर मुझे बनाया। बीएड को पढ़ाता था तो बड़े बड़े बच्चे हुआ करते थे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, तो वहाँ पे मैंने एक साल से भी कुछ ज़्यादा ही बिताया। पहले तो मैं बहुत टेंशन में रहा करता था कि मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे कुछ कम है, तो लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ जब मैं मिल गया, घुल मिल गया और बच्चों ने मेरे साथ इंट्रैक्शन किया तो उनको भी बहुत मज़ा आया। तो हेडमास्टर साहब ने मुझे कहा कि आप प्राइमरी क्लास में जाओ और किंडरगार्टन में जाओ, लाकटिस आवला से कशिर पर छवना। तो ये लगभग लाकटिस आवला से मन साउस एजुकेशन में लाके लाके शुर। अच्छा। तो जिनको हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक।
तो तैश में छोट थी पेमस तो उनके साथ मैंने एक एक्टिविटी की थी, स्मॉल एक राइम की थी। उसके वो एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद ब्रेक में मेरे पास दो बच्चियाँ आ गई और वो मुझे कहने लगी, तारिक सब ऐसे हजाओ आज वारे मज़ तो पागी पढ़ना खस अस्सी ठीक है यस। तो वो बात मुझे बहुत दिल को लगी और इसी सी तो मैंने पढ़ा था ऑलरेडी, क्योंकि नई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे एनईपी 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो वो मैंने एमए में हमारा ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, तो वो जब मैंने बोला नहीं वो ECC मैंने पढ़ा है थ्योरी में, लेकिन अब मौका है कि मैं इसको प्रैक्टिकल पार्ट इम्प्लीमेंट करूँ। हमारे बच्चे जो भी आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो अंडर प्रिविलेज्ड आते हैं, उनके पास ना ही एजुकेशन होता है और ना ही केयर उनको किया होता है। ये बात क्लासेस में चाउस मैं उन क्या चीज मैं करे मन से कन्वर्सेशन कुछ चीजें मैं बातें मैंने बोली, जैसे बेटा सुबह नाश्ता खाया, वो बोल रहे हैं अनस, मैं बस आके वाला अनस दोपहर वेस वेस मुझे लगा इनको है कांसेप्ट ओके यस को ये वेस बोल रहे हैं बट तो उसके बाद हमने ACC सेंटर ही मैंने स्कूल में खोला। अच्छा। वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई पैसा नहीं आया, वो जो हमने मटेरियल तैयार किया जो आपने अभी देखा लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट, बच्चे खुद ही जहाँ पे भी शादी में जाते थे वो पड़ा हुआ वो जैसे ग्लासेस वेस्ट वो मैं उनको बोलता था जहाँ पे भी वेस्ट कोई डिब्बा मिले उसको स्कूल ला। बीच में ही गवर्नमेंट को भी लगा कि उनके पास ट्रेनिंग्स आई ECC कॉन्सेप्ट आया, तो फिर हम मुझे सिलेक्ट किया गया एज ए DRG डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन ECC के लिए। हालांकि KG क्लास हमारा ऑफिशियल क्लास नहीं हुआ करता है अभी, NEP 2020 का हम बहुत थैंक यू कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को समझाया और ECC को मेन फोकस पॉइंट रखा। अब हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी ये प्री प्राइमरी क्लासेस होंगे वो ऑफिशियल क्लासेस होंगे। हमारे जो डायरेक्टर साहब थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नन्हे कदम प्रोजेक्ट उसका नाम रखा, तो हर कोई डिस्ट्रिक्ट में हमारे कश्मीर वैली और जम्मू वैली में 5-5 स्कूल्स सिलेक्ट किए गए जो जहाँ पे आप आज है, तो ये भी उसी नन्हे कदम का एक हिस्सा है। तो वो हमने हर कोई डिस्ट्रिक्ट में 5-5 स्कूल सिलेक्ट किए थे एज अ मॉडल, और हम मेन हमारा मोटिव था कि हमारे बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम आ रहे हैं, हम उनको एक प्री प्राइमरी सेक्शन में स्टैंड करेंगे, उनकी लर्निंग लेवल्स एनहांस करेंगे सो दैट जब वो फर्स्ट में जाएंगे तो हम एक तो हमारा रिटेंशन भी हो जाएगा और दूसरा उनकी लर्निंग लेवल्स पे भी वो काम हो चुका होगा। तो वो चीज़ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सेंटर्स जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पहले 5 बने थे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी एनरोलमेंट भी हुआ और हमारे सिलेक्टेड 3-3 टीचर्स एक एक सेंटर में रहे जिनको स्पेशली ट्रेन किया गया, उनको नेशनली भी ट्रेन किया स्टेट की तरफ से भी और मैंने उनको पर्सनली भी असिस्ट किया। हमारे 8 मॉडल किंडरगार्टन शुरू हो गए जो अभी इस साल शुरू हो गए, तो वो भी उनके लिए भी टीचर्स सेलेक्ट किया, अभी इस साल उन टीचर्स को भी हमने ट्रेनिंग दिया थ्रू डाइट्स, तो काम हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब तक कि टीचर्स बाकी मुझे सपोर्ट नहीं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, क्रेडिट मैं सारे टीचर्स को ही दूंगा, ये उन्हीं का काम है सारा। हेडमास्टर मैम है हमारी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड वेरी सॉबर एंड शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। हमारा मेन कंसेप्ट है कि यू शुड KG क्लास लाको टावल है नेहरू देव के पेजा या करो एंगेज तामत, एंगेज की बात नहीं है, हमने बच्चे को समझना है उनके डोमेन्स पे काम करना है, व्हाट आर दीज डोमेन्स, दैट इज द फिजिकल डोमेन, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज इमोशनल डोमेन, दैट इज सोशल डोमेन, दैट इज मॉरल डोमेन, एस्थेटिक डोमेन, फाइन मोटर डोमेन, ग्रॉस मोटर डोमेन, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं प्री प्लानड मैनर में हम पहले घर से एक्टिविटीज लाते हैं, घर से हम पहले लेसन प्लान्स बनाते हैं कि अगर हम क्लासरूम में जाएंगे तो किस अंदाज से जाएंगे, अगर हम बच्चों के पास जाएंगे हालांकि 3 साल का बच्चा है लेकिन इसकी पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है। बापा
दी बाजा नस बुड़ बुड़ खल इया इया ओ अदी बाजा नस बुड़ बुड़ खल इया इया ओ। इन बच्चों को पढ़ाना दैट इज चैलेंजिंग जॉब। मुझे मैंने बीएड को भी पढ़ाया है, एमएड को भी मैंने पढ़ाया है, और सारे हमारे टीचर्स ऑप्ट करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस वो देते हैं कि हम हाई स्कूल्स में जाए, हायर सेकेंडरीज में जाए, प्राइमरी स्कूल में नहीं जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को कौन देखेगा। सो ये दिस इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। इट्स टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट टीच अंटिल ही इज अ मास्टर इन दैट वेरी फील्ड। मेरा एक एम था कि मैं हजारों और लाखों बच्चों तक पहुंचूं, और उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट मीडियम जो लगा That was social media. Thanks to social media कि उसने मुझे world tour कराया। World tour मतलब कि मेरे साथ अभी connected है बहुत सारे अमेरिका के teachers, okay, वेटनम के teachers, हमारे दुबई के teachers, कि वो मुझे बोलते हैं कि are you really using our methods in your school? Okay. These are our methods. मैंने कहा मैं आपके methods use नहीं कर रहा हूँ, these are my methods. क्या है? हमने तामीर की तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत बनेगा। सेम इज द केस विद द चाइल्ड। अगर उसका 5 साल या 6 साल का की जो गैप अगर वो छूट गई, दैट मींस कि उसकी बेस जो है वो बहुत कमजोर है। तो उस बेस पे ज्यादा हमको काम करना है। वो बेस उसकी स्ट्रांग हो गई, आगे जाके वो मिरेकल्स कर सकता है। हमारी कोई बुक नहीं है, हमारा कोई करिकुलम नहीं है जो बाहर से गवर्नमेंट देगी। जैसे मैंने ये बनाया है, देखो लेटर्स लिखे हुए हैं, इसी के साथ बच्चे मतलब फिलअप्स करते हैं, इनको जब सीरीज में लगाते हैं जैसे बी ढूंढना है इसी तरह ये अब जी उठाते हैं, काम करते हैं। दैट इज फॉर द फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो मेरा ड्रीम था कुकिंग का, उसको भी मैंने बरकरार रखा और उसको भी मैंने नहीं छोड़ा। और लोगों की डिमांड रहती है कि उनके साथ मैं कुकिंग जो है स्किल्स वो शेयर करूं, और मैं शेयर करता हूं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। होता है कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मैं बच्चों के लिए करूँगा, पेरेंट्स के लिए करूँगा, और दुआएं मिलेंगी तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें पूरे स्कूल में घुमाया, आज हर एक क्लासरूम। सच में हम यही कह सकते हैं एक मॉडल स्कूल के मॉडल टीचर हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग।